हम तो प्रतिद्वंदी को इतना ही कहेंगे कि वो लोग अपना जमानत बचाने का काम। गांव की तस्वीर बदल रही है। बहुत ही संवेदनशील प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने चुन करके उनको प्रत्याशी यहां का बनाया। इसको करने के लिए हम लोगों को कालीचरण बाबू को जिता करके यहां से भेज दिया। कांग्रेस की गारंटी 65 साल देश की जनता ने देखी। गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ, गरीबी मिटाओ, 65 साल में 13 प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया और गरीबी जहां थी वहीं की वहीं रह गई। गरीबों का भूख तक नहीं मिटा पाई कांग्रेस पार्टी 13 प्रधानमंत्री 65 साल के शासन। अगर गरीबों का भूख भी कोई मिटाया, आज गरीबों के घर में 2 छटाक अनाज भी है, तो वह नरेंद्र भाई मोदी के चलते हैं। तो गरीबी उन्मूलन से लेकर के देश के नवनिर्माण तक आज अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। चाहे चांद पर जाने की बात हो, चाहे मंगल पर जाने की बात हो, या फिर सूर्य पर जाने की तैयारी हो, या फिर पाकिस्तान में घुस करके मारने की बात हो, सब जगह अगर कोई पहुंचता है तो नरेंद्र भाई मोदी ही पहुँचता है। तो देश के लोगों का विश्वास नरेंद्र भाई मोदी में। कल देश को अगर कोई गढ़ सकता है, बना सकता है, सजा सकता है, सवार सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, दुनिया के सामने विकसित देश बना सकता है, तो नरेंद्र भाई मोदी ही बना सकता है। आप बताइए, आप दुनिया की बात मत बताइए, आप झारखंड की बात बताइए। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, JMM की सरकार है, RJD की सरकार है। इन्होंने क्या घोषणा किया था? 5 लाख नौकरी दूंगा हर साल। 4.5 साल हो गए तो 22.5 लाख नौकरी कहाँ है? 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, वह कहाँ है 4.5 साल में? 2 लाख रुपया तक का किसान लोन माफ करूंगा, कहाँ है? 4 लाख रुपया का आवास दूंगा, कहाँ है? 72,000 रुपया चूल्हा खर्चा दूंगा, कहाँ है? आप अपने स्टेट में हो ना, आप यहाँ तो लागू कर सकते हो ना। आप देश की बात करते हो, अभी तो यहाँ 4 साल में आपने कुछ नहीं दिया, केवल धोखा, झूठ, फरेब। अगर उसका दूसरा नाम कोई है तो वो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता। देखिए, पहले तो तेजस्वी जी को झारखंड में आकर के वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पिता ने ही कहा था कि झारखंड हमारे लाश पर बनेगा। तो जब आपके लाश पर झारखंड बन गया, फिर आप झारखंड के लोगों को बिजली के युग में लालटेन पकड़ाने और लालटेन दिखाने आ रहे हैं, तो यह शर्मिंदगी की बात है। उसके बाद भी जो महंगाई की बात कर रहे हैं, 15 साल उनके पिता बिहार के कंबाइंड झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 65 साल कांग्रेस की शासन रही। आप बताइए मजदूरी कितना था? 120 रुपया। आज मजदूरी कितना है? 272 रुपया। यह कौन किया? 10 साल में मजदूरी 272 और 65 साल में 120 रुपया। आप महंगाई की जब चर्चा कर रहे हो तो मजदूरी की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? हम पहले धान पैदा करते थे तो 6 रुपया धान बेचते थे, आज मोदी के युग में 65 साल में 6 रुपया धान बेचे, मोदी के युग में 10 साल में हम 20 रुपया धान बेच रहे हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर भी तो आपको चर्चा करना चाहिए। पहले हम साइकिल से नहीं चल पाते थे, आज ये पैसा का देश में रोटेशन हुआ कि हर लोगों के घर में मोटरसाइकिल खड़ा है, हर घर पक्का के बन रहे हैं, गाँव की तस्वीर बदल रही है। और आप बोल रहे हो महंगाई की बात, महंगाई की बात। अब ऐसे बात तुम्हारा सुनने के लिए झारखंड की जनता तो कतई तैयार। अब चुनाव का परिणाम 4 तारीख को घोषित होने दीजिए, 5 तारीख के शाम को फिर ये लोग मारपीट करेगा। आज हम बोल के जा रहे हैं आप लोगों को, इतना मारपीट करेगा कि राजद वाला को कांग्रेस वाला मारेगा, कांग्रेस वाला को राजद वाला मारेगा, और JMM दोनों को मारेगा, पटक पटक के मारेगा। चूंकि इन लोगों में कहीं कोई गांठ नहीं भरा है, ये लोग पेट का भी पापी है, मुंह का भी पापी है, और करोड़ों रुपया इनका पकड़ा भी रहा है, इनके मंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल में सड़ रहे हैं, ये इतने पापी हैं। तो ये पापी लोग बहुत दिन तक साथ में नहीं रहने वाले हैं। आप देखिएगा चुनाव के बाद तुरंत सिर फुटवल इन सारे गठबंधन वाले लोगों में। देखिए, हम मतदाता को एक ही संदेश देंगे कि ये राष्ट्रवादी विचारधारा का धरती हमारा चतरा संसदीय क्षेत्र रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ के जनता ने चुनने का काम किया है। अबर बार एक स्थानीय प्रत्याशी, सूझबूझ वाला प्रत्याशी और बहुत ही संवेदनशील प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने चुन करके उनको प्रत्याशी यहाँ का बनाने का काम, मोदी जी ने उनके हाथों में कमल पकड़ाने का काम किया। कार्यकर्ता और जनता की जिम्मेवारी है कि मोदी जी का लक्ष्य 400 पार,
इसको करने के लिए हम लोगों को कालीचरण बाबू को जिता करके यहाँ से भेजना है। क्योंकि पार्टी का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, इस छोटी सी उम्र में पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी प्रदेश का मुझे दिया है। तो हम लोग तो यहाँ के जनता से अपील करेंगे कि आपकी जवाबदेही सांसद बनाना है, और सांसद बनाने के बाद संगठन की जिम्मेवारी शुरू होगी। कालीचरण बाबू जैसे अनुभवी व्यक्ति को हम लोग चाहेंगे कि वो केंद्र में मंत्री बने और चतरा संसदीय क्षेत्र का जो अधूरा विकास है वो पूरा हो। इसके लिए कमल का बटन दबाना है, और जो टारगेट है हम लोगों का कि 8 लाख से पार यहाँ का मत प्राप्त करके काली बाबू जीत करके जाएंगे और केंद्र में मंत्री का स्थान प्राप्त करें। देखिए, हम तो प्रतिद्वंदी को इतना ही कहेंगे कि वो लोग अपना जमानत बचाने का काम करें, खास करके अपने पुराने मित्र जो बात बात पर रिवाल्वर निकालते हैं, जो कार्यकर्ता को और जनता को धमकाते हैं, जिनको एक बार जिताने के बाद जनता दोबारा वहाँ से विधायक नहीं बनाई, वहाँ से भाग करके यहाँ चतरा में शरण लिए हुए हैं, उनसे आग्रह बस मेरा यही है केएन त्रिपाठी जी से कि कृपया करके आप अपना जमानत बचा लीजिए ताकि आपकी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे। बस इतना ही आग्रह है, दूर दूर तक लड़ाई में कोई नहीं है। बूढ़ा पहाड़ पर एक दिन हम चढ़े थे और वहाँ से दूरबीन लगा के देखे कि काली बाबू के पीछे पीछे कौन आ रहा है, तो हाथी का मोढ़ा दिखाई दिया लेकिन पंजा हमको दिखाई नहीं दिया।